हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको इपॉक्सी ग्राउटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। इपॉक्सी ग्राउटिंग बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं ज़्यादा टाइम और इसका रीज़न क्या होता है, ठीक है। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता जाऊँ, ये देखो, ये हमारे पास एक कॉलम है, सेकेंड कॉलम हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। सो इसके बीच में हमारे पास ये बीम प्रोवाइड करना था, ठीक है। जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हमने ये बीम प्रोवाइड करना था, बीम प्रोवाइड करना था। और यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ये स्टेयर केस है, ठीक है। स्टेयर केस में कहीं लैंडिंग ने इसके ऊपर रेस्ट करना था, ठीक है। ड्यू टू सम रीज़न यहाँ पे बीम नहीं प्रोवाइड किया गया, ठीक है। सो अब हम बीम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बीम प्रोवाइड करने के लिए हमने इसके अंदर होल करना पड़ेगा, ठीक है, कॉलम का, क्योंकि कॉलम की बार के साथ बीम की बार को टच होना है। इस वजह से यहाँ पर अंदर ये ड्रिल किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये 6 इंचेस बार अंदर गई हुई हैं, ठीक है। ये ड्रिल करके 6 इंचेस बार अंदर की हैं, अंदर करके उसके बाद हमने यहाँ पे इपॉक्सी ग्राउटिंग की है। अब ये जो केमिकल आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इपॉक्सी ग्राउटिंग है, इपॉक्सी है, ठीक है। सो ये बेसिकली इपॉक्सी ग्राउटिंग हुई हुई है, ठीक है। सो ये जो बार है, ये हमारे पास है, ये 20 mm बार है, ये जो बार आपको नज़र आ रही है, और ये जो है बार हमारे पास 10 mm बार है, ठीक है। ये जो स्पोर्ट्स बार है, और ये हमारे पास मैन बार होती हैं बीम की, ये मैन बार होती है। नीचे वाली जो बार होती है मैन बार होती है, ऊपर वाली जो है ये स्टीरअप स्पोर्ट्स बार होती हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास है, ये स्टीरअप्स हैं, इनकी स्पेसिंग हमारे पास, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये स्पेसिंग हमारे पास सेंटर टू सेंटर 6 इंचज़ है, ठीक है। इस साइड से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास ये इपॉक्सी ग्राउटिंग हुई है। ये बड़ी सख्त हो जाती है, केमिकल है, बिल्कुल कंक्रीट से भी हार्ड हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास बार्स जो हैं बिल्कुल अंदर स्टेबल रहती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये भी। सो ये 6 इंचेस जो हैं बार जो है अंदर की हुई हैं कॉलम के। अब ये देखो, यहाँ पे आगे हमारे पास ये एस्थेटिक कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर ये, अब ये जो है, ये इसके कॉलम के साइड्स पर हमने एस्थेटिक कॉलम प्रोवाइड करके उसके अंदर सेंट्री पाइप्स को अंदर किया हुआ है, ठीक है। सो उसके साथ ये हमने प्रोवाइड कर रहे हैं बीम, ताकि हमारे पास लैंडिंग का जो है लोड इसके ऊपर आ सके, ठीक है। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो जरूर लाइक करो। और कोई भी मसला इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ समझ ना आ रही हो, नीचे कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो।